ना क्या नहीं 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 हाँ जी कोई कंकड़ पत्थर आ रहा हो हैं? रास्ता चलते चलते कंकड़ पत्थर कांटे आ जाते हैं तो रुकावट आती है हैं? तो कोई आ रहा हो तो बताओ बाबा। अभी भी एक बांधनी माता क्लास में आए और उनके पीछे उनके लीडर और किसी और को लेकर अभी नीचे आ गए थे बाबा। तो बांधनी माता से बाबा क्लास में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांधनी माता बच्ची कर चुकी है, बच्ची कर चुकी है, उसके घर वाले परमिशन देते हैं तो आए, परमिशन नहीं देते हैं तो पूर्व जन्मों में उसने अच्छे कार्यों में उनको विघन डाला होगा, परमिशन नहीं दी होगी, तो घर वाले अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। उसे समझना चाहिए कि हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, हम हल्के हो रहे हैं। जैसे माता हमको ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बाबा का भी नाम बदनाम होता है और फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर वो माताएं मानती नहीं है, वो माताएं तो मानती नहीं है बाबा। वो बोलती है क्यों, ये भी तो अपनी मर्जी से कहीं कहीं जाता है, तो मैं क्या बाबा की क्लास में नहीं जा सकती? जिस समय हथियाला बांधा था उस समय पंडित के सामने तुमने ये कहा था कि हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे, नाक में नथनिया नहीं डालेंगे हैं? हाँ, उस समय अंजाम किया था ना, इसका हम सहयोग करेंगे, ये जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। बाकी ये मन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बाबा ने मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हमको सिखाई है। वो तो जितना ज्यादा बंधन होगा उतना मन ज्यादा भागेगा, तो भाग्य हमारा ज्यादा बनेगा कम बनेगा? कोई तन को कंट्रोल में रख सकता है, मन को तो कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता। मान लो पति तन के ऊपर जबरदस्ती करता है विकार भोगने के लिए, मन बाबा की याद में उड़ा दो, तन को मुर्दा बना दो, तन मुर्दा बन गया, मन बाबा की याद में ऊपर उड़ गया, तो मन जहां नहीं लगेगा वहां विकारी सुख तो भोगा नहीं जा सकता। विकारी सुख भोगेगा ही नहीं तो पाप कर्म बनेगा ही नहीं। जो जोर जबरदस्ती करेगा तन के ऊपर उसका पाप बनेगा, लेकिन मन को जिसने उड़ा दिया, तन को मुर्दा बना दिया, उसका कोई पाप बनेगा ही नहीं। और ही पाप कर्म भस्म होंगे बाबा की याद में और तीव्र गति से याद आएगी। जिसके ऊपर अत्याचार होते हैं, ज्यादा दुख आता है, उसको भगवान की ज्यादा याद आती है कम याद आती है? ज्यादा याद आती है। और प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ हो तो और ज्यादा याद आएगी। तो माताओं को, तो बांधेली माताओं को तो खूब खग्गियां मारना चाहिए, बाथरूम में जाके डांस करना चाहिए। बाबा आते हैं, बाबा को साकार ही समझ रखा है कि निराकार भी है? बाबा को अगर हम याद करेंगे तो निराकारी स्टेज में, अव्यक्त स्टेज में बाबा हमारे साथ नहीं रह सकता, ऐसी भी स्टेज आएगी। और बांधेली माताओं की पहले आएगी कैसी स्टेज, कि वो बांधेली माताएं या बांधेली कन्याएं बाबा को साकार में अपने अनुभव करेंगी अपने साथ। अभी भी बहुतों को स्वप्न में बहलाता रहता है,
कलम लगाता हूँ आदि सनातन देवी का कहीं बोला कि बीज बोता हूँ बीज बोला कलम कहीं बोला है मैं बीज बोता हूँ कलम लगाता हूँ कलम लगाता हूँ वो ठीक है बीज बोता हूँ मैं शिव बीज बोता है ये तो नहीं बोला मैं ज्ञान का बीज बोता शिव ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं बीज बोता हूँ शिव मनुष्य सृष्टि का बीज है शिव को मनुष्य सृष्टि का बीज कहे नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि मनुष्य सृष्टि साकार है और मनुष्य सृष्टि का बीज भी साकार में होना चाहिए शिव को मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं कहेंगे तो वो ये कह भी नहीं सकता कि मैं बीज वहां बोने के लिए आता हूँ हाँ हाँ कलम लगाता हूँ कलम कैसे लगाता हूँ पुराना वृक्ष है पुराना वृक्ष पूरा बढ़ गया जब पुराना वृक्ष पूरा बढ़ गया तो अंत में जाके कलयुगी स्टेज आ गई या कोई दूसरे युग की स्टेज है तामसी स्टेज वाला वृक्ष हो गया हर धर्म तमो प्रधान हो गया या सतो प्रधान है हर धर्म की आत्माएं तमो प्रधान हो गई उन तमो प्रधान डालियों में से कटिंग की और कटिंग करके नए ब्राह्मण धर्म की कलम लगा दी 76 में क्या किया 76 में जितने भी थे बीके में ब्राह्मण वो और धर्मों के थे कि कोई सूर्यवंशी के थे है? सब और धर्मों के थे माने वो कलम काट ली और 76 के बाद कलम लगाना शुरू कर दी पहले पहले चार मुख्य धर्मों की कलम लगाई चार मुख्य बीज रूप आत्माएं पकड़ी और उनके द्वारा नई सृष्टि का संचालन शुरू हुआ नया संगठन बनना शुरू हो गया तो ये कलम लग गई जो पुरानी पुरानी डालियां ली जाती हैं वो तमो प्रधान होती है वो तमो प्रधान डालियों में से तीन डालियां जो हैं वो और धर्मों की है एक डाली सनातन धर्म की है तो सनातन धर्म की डाली से सनातन धर्म के वृक्ष तैयार होगा और धर्मों की जो डालियां हैं उनसे और धर्मों की कलम लगती है इसलिए नीचे झाड़ में दिखाया गया है कि सब धर्मों की जड़ों का आरोपण होने लगता है फाउंडेशन पड़ रहा है ऐसे नहीं कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ एक कुल के ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं एक धर्म के लोग तैयार हो रहे हैं नहीं सब धर्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है जो पक्के पक्के श्रीमत को मानने वाले हैं ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले हैं वो सूर्यवंश का फाउंडेशन लगा रहे हैं सूर्यवंश के निमित्त बन रहे हैं जो उस बात को पूरा नहीं मानते हैं और नहीं चलते हैं तो और धर्मों का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बन जाते हैं तो जो और धर्मों का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन जाते हैं वो ब्राह्मणों में फर्स्ट नंबर कुरी के अधिकारी बनेंगे या और प्रकार के जो ब्राह्मण हैं नीची कुरी के उनके फाउंडर बनेंगे नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे तो शास्त्रों में और समाज में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं दुनिया में भी जो भगवान को मानने वाले हैं वो 9 धर्म मुख्य मुख्य हैं जो झाड़ में दिखाए गए हैं अभी उन सब का फाउंडेशन पड़ रहा है सूर्यवंशी तो मुट्ठी भर निकलेंगे फाइनल पेपर होगा सब डिक्लेयर होने लगेगा इसलिए मुरली में बोला है अंत में 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी
नौवां बाद में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाद में बोली जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो सच्चे ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मणों के संगठन में अपनी राजाई चलाते हैं। राजाएं राजाई चलाते हैं, ब्राह्मण राजा नहीं होते। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। ब्राह्मणों को दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर, ये काम करो, नहीं करोगे अच्छा हटो, या उनके ऊपर शासन करना या उनको दंड देना, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है बाप को फॉलो करना। बाप आया है बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन करके, तो हम बच्चों को भी क्या बनना है? हम भी कोई बात माने या न माने, सेवा करे या न करे, बैठे बैठे खाता रहे, हमें क्या करना है? हमें तो उनकी सेवा करनी है। कैसा भी है, भगवान का बच्चा है, भगवान के बच्चों को हम दंड देने के अधिकारी नहीं है, उनके ऊपर शासन करने के अधिकारी नहीं है, प्यार से चलाना है। तो कौन से धर्म की स्थापना होगी? है जो ईश्वर सब धर्म स्थापन करता है वो ही सतयुग की स्थापना होगी, और धर्मों की स्थापना नहीं होगी। तो बाबा ब्राह्मण जो सेवाधारी होंगे वो राजा नहीं बनेंगे? यहाँ राजा बनेंगे, यही राजा ही ले लेंगे तो वहाँ राजा ही कम हो जाएगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना है। ज्ञान सुनाते रहो, जब तक ज्ञान सुनते हैं उनको सुनाते रहो। शिव बाबा को 70 साल से ऊपर हो गए सुनाते सुनाते, कभी नाराज होता है बच्चों के ऊपर? है अभी भी प्यार का सागर है, पहले भी प्यार का सागर था, किसी को कोई दंड तो नहीं देता कि धर्मराज गए, धर्मराज इधर आओ इसको संभालो, धर्मराज को तो नहीं सौंप देता, प्यार ही देता है ना। तो प्यार के सागर के हम बच्चे भी प्यार से ही सब बच्चों के साथ आचरण करें, ऐसे धर्म की हम स्थापना करने के निमित्त बने। जो ऐसा नहीं करते हैं, बीके में क्या हो रहा है? है क्या हो रहा है? हमारी बात मानो तो ठीक। अच्छा तुम शंकर पार्टी की बात करो, कान पकड़ के बात है, बात ही नहीं करेंगे तो ये राजा ही चलाना नहीं हुआ है? ये भगवान का घर बनाया या आसुरी दर बनाया? ये तो आसुरी दर बन गया, आसुरी धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एडवांस का एडवांस ज्ञान में नहीं है, ऐसे एडवांस ज्ञान में भी ऐसे ही चलने वाले बहुत हैं। क्या प्यार से चलाने वाले बहुत थोड़े हैं, 5 पांडवों को दिखाया है। 5 पांडव भारतीय थे या विदेशी थे? हैं? 5ों पांडव भारतीय थे, परंतु 5ों में सबसे जास्ती सहन शक्ति वाला कौन था? युधिष्ठिर। जो ज्ञान का युद्ध है, सच्चाई का युद्ध है, उसमें स्थिर रहने वाला, कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, धर्म युद्ध में स्थिर रहते थे। तो ये भी धरत परिय पर धर्म छोड़िए। और किसी के माथे पे लिख दिया है कि तुम और धर्मों के हो? किसी के माथे पे लिखा हुआ है? तो आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप और धर्मों की वकालत कर रहे हैं ना? सारे धर्मों की आप नहीं होते, अभी आई हुई है ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उसमें सभी धर्मों के बैठे हुए हैं।
अब फाइनल पेपर होगा तो पता पड़ जाएगा कौन पक्के स्वधर्मी है और कौन नंबरवार विधर्मी है। स्वधर्मी स्वधर्मी होंगे वो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बन जाएंगे प्रैक्टिकल में। नहीं बाबा, इनका प्रश्न ये नहीं है, इनका प्रश्न ये है कि माउंट आबू में सभी धर्मों के हक में जाएंगे या केवल सूर्यवंशी जाएंगे, इनका प्रश्न ये है। तपस्या जो करेंगे वो तपस्या करने का अधिकार सभी धर्म वालों को है या सिर्फ सूर्यवंशियों को ही है? सब जाएंगे, सबको मौका दो। तपस्या करने का मौका तो सभी को देना चाहिए। तप कर राज, राज कर नरक। तपस्या करो तो राजा ही मिल जाएगी है, बढ़िया बढ़िया सेंटर स्थापन हो जाएंगे, उनमें चक्कर लगाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, तामसी बन गए तो राजा ही उड़ जाएगी। अभी ब्रह्मा कुमारियों का क्या देखने में आ रहा है, उनकी राजाई सेंटरों में से उड़ रही है या जम रही है? जैसे उनकी राजाई उड़ रही है ऐसे ही फिर आगे हमारा भी अस्त्र होगा। बल कितनी भी तपस्या करें, तपस्या करके पवित्र बने, जितनी जितनी तपस्या करते जाएंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना आपका संगठन मजबूत मजबूत होता जाएगा। हर आत्मा में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है, एक एक आत्मा में अपने अपने 84 जन्मों के कनेक्शन में आने वाली आत्माओं का संगठन बैठा हुआ है। तो संगठन यहाँ प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हर एक आत्मा जितनी जितनी पवित्र बनती है तपस्या करके, उतना उतना राज्य भाग यहाँ मिलता जाएगा। राज्य भाग मिलेगा फिर क्या होता है? राजभाग के बाद फिर क्या होता है? ये नियम बना हुआ है, अहंकार आता है। जो कुर्सी पे बैठता है उसको फिर अहंकार आता है। हाँ, कोई ये है किसी को कम अहंकार आता है, किसी को ज्यादा अहंकार आता है। कोई ज्ञान में इतना रमण करता है कि अपने अहंकार को कंट्रोल करके रखता है, और कोई फिर खुला छोड़ देते हैं घोड़े को, मनमानी करने लग पड़ते हैं। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, किसी को कुर्सी मिल जाती है, प्रभुता मिल जाती है, तो मद आ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, फिर मनमाना काम करने लग पड़ते हैं। तो मनमाने आचरण से फिर क्या होगा? फिर नीचे गिरेंगे, फिर नीचे गिर गए, अपवित्र बन गए, पापी बन गए, फिर जाकर के माउंट आबू वहां तपस्या करने का सबको स्वतंत्रता देंगे या नहीं देंगे? है देंगे। जो तपस्या करेंगे उनको स्वतः ही वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं। बाबा, मेरे बचपन से जैसे जो आत्मा है जिसको नहीं है, है जो बचपन से देख रही हूँ मेरे अंदर, जो मुझे आत्मा है अलग तरह से धमकी लगी, मैं पवित्र होना चाह रही हूँ, वो अपनी तरह धमकी लगी, वो अभी भी इस वक्त भी है। भूत प्रेत आत्मा है? पता नहीं बाबू, मैं ऐसे नहीं जानती, पर मन ऐसा लगता है कि चार पांच है मेरे अंदर। तो आत्मिक स्थिति में रहो, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनके ऊपर सूक्ष्म सर्वधारियों का असर नहीं होता है। अमृत वेले उठ करके खूब प्रैक्टिस करो। अब धर्म युद्ध तो है, उनसे लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो आसुरी आत्माएं हैं, पाप कर्म करने वाली आत्माएं हैं। पाप कर्म ज्यादा करती हैं तो उनको अकाले मौत होती है, या तो उनकी हत्या होती है, या तो वो सुइसाइड कर लेती हैं, आपघात करती हैं। तो ऐसी पापात्माएं जो है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर के लेकर के वो भटकती रहती हैं, जिनसे जिनसे हिसाब किताब है उनसे हिसाब किताब पूरे करती रहती हैं। तो उसका तरीका हमें बाबा ने बताया है कि वो तो सूक्ष्म शरीर है उनको, क्या शरीर माने देह अभिमान,
सूक्ष्म देह विमान, हम अपने को बिंदी समझेंगे, स्टार समझेंगे, तो हमारे में उस समय देवान है ही नहीं, वो हमारी प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोई भी जिसमें भूत प्रेत प्रवेश किया हुआ हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बाबा की याद में उसे देखो स्टार को, वो भाग जाएगा। पावरफुल होगी तो हमको कंट्रोल करेगा, इसलिए प्रैक्टिस करो। आगे चल करके ढेर की ढेर अकाले मौतें होनी है, जमीन हिलेगी, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें सब गिरेंगी, कितने लोग रह पड़े हैं उनमें, बिल्डिंगें गिरेंगी तो अकाले मौत होंगी तो ये सब आत्माएं भूत प्रेत बन जाएंगी, एक एक में ढेर ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी, तब क्या करेंगे, उनके आधीन हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या प्रैक्टिस? सवेरे सवेरे उठते उठते दूसरा कोई संकल्प नहीं, स्टार को याद करना, स्टार को देखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है, वो गीता में भी लिखा है, शास्त्रकारों ने भी लिख करके रख दिया, अभ्यास इंद्र कौनते है, अभ्यास करने से ही आत्मा जो है स्थिर हुआ जा सकता है। तो हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, जैसे अमृत वेले के समय सोचते हैं उस करके आत्मा उसको देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा के जैसे बाबा दिखाई दे, बाबा और बाबा की बात आए सामने, बाबा का चेहरा, बाबा की बातें, मुरलियों की बातें, खराब चीज है क्या? नहीं खराब नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा, जैसे बाबा बोलते ना उठते ही बस आत्मा ही देखनी है, और अगर आत्मा की जैसे बाबा दिखाई दे तो अच्छी बात है ना बाबा, खराब बात इसमें क्या हुई? खराब बात की बात नहीं पूछ रहे, अच्छी बात तो है। हाँ जी हाँ जी, माने आत्मा से बाबा घटिया है या हम बाबा ज्यादा अच्छा है? हैं हैं, बाबा अच्छा है, बाबा जो है बिना आत्मिक स्थिति के तो याद आ ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक ईश्वर की सेवा में ही रहेंगे तो सेवाधारी बच्चों को बाप खुद याद करता है, तो जिन बच्चों को बाप खुद याद करता है उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? आत्मिक स्थिति तो सेवाधारियों की बन ही जाती है। फिर जहाँ अपन को आत्मा समझ लिया तो आत्मा समझने वालों को परमात्मा असली आराम से याद आता है। आत्मा समझ करके बाप को परमात्मा को याद करो, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बिना आत्मा समझे अगर याद करेंगे तो कठिनाई होती है। और बकरे तो थोड़े हैं, मछलियाँ कितनी हैं ढेर सारी, बकरे तो कम लोग खाते हैं, मछलियाँ तो सारे संसार में जितने भी विधर्मी हैं सारे ही मछलियाँ खाते हैं, कितनी मछलियाँ कटती रहती हैं। अरे उन मछलियों को अपना हिसाब किताब बना हुआ है, उनका स्वभाव है, मछली मछली को खा के जिंदा रहती है। क्या एक मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, उससे बड़ी मछली उसको खा जाएगी, जो मगरमच्छ है सब बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाएगा, तो उनको तो कटना मरना रोज का है जिंदगी का,
उनके लिए कोई खास बात नहीं है। नाली के कीड़े हैं, जो नाली के कीड़े हैं वो एक दूसरे को काटते रहते हैं। वो उसको काटेगा। काटना और कटना और दुखी होना और परेशान होना, ये उनका धर्म है। उन कीड़ों को निकाल करके नाली में से साफ स्वच्छ जगह में धूप की रोशनी में रख दो, और ज्यादा तेल मिल जाएगा। उनका अपना धर्म, बिच्छू का अपना धर्म, वो काटेगा ही काटेगा। धर्मात्मा का अपना धर्म। अरे पहले अपनी जाति को तो देखना है, अपनी जाति की मेंटेलिटी को पहले परखना है कि दूसरे की जाति को मेंटेलिटी को पहले परखना है। मनुष्य तो पहले सुधरे, मनुष्य सुधर जाएगा तो दूसरे प्राणी भी सुधर जाएंगे। बाबा, आपने मुरली में बोला कि देवता तो समझदार होते हैं, लेकिन मुरली में तो बोला कि देवता बुद्धू भी होते हैं। अभी देवताएं हैं या मनुष्य हैं? तो अभी क्या है, है? अभी जो भगवान को पहचान ले, जो देवता बनने वाली आत्मा अभी भगवान को पहचान ले, लेकिन अभी देवता तो नहीं है, क्या है? मनुष्य है। तो ऐसी मानवीय बुद्धि जो भगवान को पहचान ले, वो बुद्धू है या समझदार है या बेसमझ है? हाँ, तो अभी देवता नहीं है हम। सत्युग में जो देवताएं होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। अभी भी जो देवात्माएं हैं, जो मुरली को सीधा सीधा पकड़ती हैं, उसके गहरे अर्थ को नहीं पकड़ पा रही है, वो देवात्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेने वाली हैं या संगम युग में देवता बनेंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेंगे तो वो बुद्धू है या बुद्धिमान है? तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी जो आत्माएं अभी ब्राह्मणों की दुनिया में काम कर रही हैं, वो वास्तव में देव आत्माएं हैं। उनको देव आत्माएं कहेंगे। क्या देवताओं का भी जन्म देने वाले कोई बाप हैं? क्या वो कैसे हैं? वो बड़े से बड़े राक्षस भी हैं और बड़े से बड़े देवता भी हैं। वो ईश्वर की क्वालिटी के हैं, भगवान की क्वालिटी के हैं। साकार भगवान की जो क्वालिटी है वो उसके बच्चों की क्वालिटी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले ब्रह्मा सरस्वती को जो मानने वाले हैं वो देव योनि में जावेंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को कौन सी युग में प्राप्त होते हैं? संगम युग में मेरे को प्राप्त होते हैं। जो मेरे पीछे पड़ते हैं, किसी देवात्मा के पीछे, किसी धर्मात्मा के पीछे, किसी धर्मपिता के पीछे नहीं पड़ेंगे। किसके पीछे पड़ेंगे? किसको फॉलो करेंगे? एक बाप को फॉलो करेंगे। वो ऊंचे थे ऊंचे हुए। देवताएं तो बुद्धू ही होते हैं। वेस्टेज पत्थर है बचा, उससे उन्होंने बिना पैसे लिए
एक छोटा सा मंदिर अलग से तैयार किया तो बताते हैं कि उसके कौन सा मंदिर है, कहाँ है? वही बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर पास बनो अंदर बाउंड्री के अंदर ही अंदर बना हुआ है, काफी बड़ा बना रखा है वो। तो वो बताते हैं इसलिए इसका नाम देवगढ़ मंदिर पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतना दिल लगा करके और बिना कुछ मजदूरी लिए इस चीज को वैसे से तैयार करके खड़ा किया। ठीक है तीन तपस्या करने वाले तपस्या कर रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, और जो तपस्या कर रहे हैं उनमें प्रवेश होकर के उनको ताकत देने वाली आत्माएं इंस्पिरेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है। तो प्रेरणा देने वाले भी हैं और तपस्या करने वाले भी हैं, दो तरह की आत्माएं हैं अभी जो दिलवाड़ा मंदिर में मंदिरों में दिखाई गए, छोटी छोटी मंदिरों में। एक तो प्लानिंग पार्टी और दूसरी इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्रेरणा देने वाली पार्टी। बाकी मजदूर नहीं है क्या? इंजीनियर ग्रुप है और मालिकों का भी ग्रुप है, लेकिन जो मकान बनाने वाले मजदूर हैं वो अभी नहीं है। प्रैक्टिकल पार्टी, वो प्रैक्टिकल पार्टी भी अंत में आएगी क्या, और वो भी कंस्ट्रक्शन करेगी। वो दिल वाले हैं, दिमाग वाले नहीं है, इसलिए उस मंदिर का नाम दिलवाड़ा मंदिर है। उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। हम भी ये सोच रहे थे बाबा, जो मजदूरों वाली बात आई वो उस हिसाब से आई होगी। हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म आत्मा ही करती है। कभी बुद्धि एकदम डल हो जाती है, समझते हैं क्या सुनाएंगे, कभी बुद्धि में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आने लगते हैं। कोई व्यक्ति सामने आता है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ जाने कहाँ से ज्ञान निकल पड़ता है। तो इसका मतलब कोई इंस्पिरेट कर रहा है ना, कोई प्रेरक है ना। अब दिलवाड़ा मंदिर में ज्यादा सेवा हो रही है बीकेएस की। हाँ जी, हाँ जी, होगी ना। मंदिर के अंदर घुस जाते हैं बाबा, हाँ। ग्रुप बनाकर हम लोग, हाँ। और फिर उनको अलग अलग पकड़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अच्छे से बड़ी बड़ी बहनों की भी सेवा हो रही है बाबा ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पॉइंट बार बार उनको दिखाओ, मुरली का मुरली, जो ओरिजिनल मुरली छपी हुई पुरानी कागज है ना, माउंट आबू का छपा हुआ, उसमें वो वाक्य दिखा दो बार बार। कौन सा? कि अभी तुम बच्चे, या वो तो तुम्हारी यादगार बनाई है दिलवाड़ा मंदिर, अभी तुम प्रैक्टिकल में तपस्या में बैठे हो, तो प्रैक्टिकल में तपस्या में दिलवाड़ा में कौन बैठे हैं, कौन बैठने वाले हैं, वो क्या रिजल्ट आ रहा है देखने में, वो पी के तो नहीं बैठे हैं दिलवाड़ा में, कौन बैठे हैं और कौन बैठने वाले हैं, क्या आसार नजर आ रहे हैं, कौन बैठेंगे, जो करेंगे तो भरेंगे। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा सीता वाली आत्मा ने ब्रह्मा ज्ञान में जन्म लिया। सीता वाली आत्मा एक नहीं है, सीताएं दो हैं, रावण का विनाश करने के लिए जब राम हिरण के पीछे पड़े, उससे पहले उन्होंने सीता के दूसरा रूप बनाया, असली रूप को योगाग्नि में बैठा दिया। तुम पावक में करो निवासा,
तुम याद में बैठ जाओ, कुछ मत करो। क्या ज्ञान व्यान की भी तुमको दरकार नहीं? तुमने असली स्वरूप को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तुम पावक में करो निवासा, याद में रहो। और एक मूर्ति सोने की बना दी, उसको रावण उठा ले गया। तो दूसरी मूर्ति कौन सी बनाई गई? पंच तत्वों की बनाई। तो पांच तत्व कौन से हैं? प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जड़ तत्व से बनी हुई जो सीता है वही जगदम्बा है। उसको जब तामसी रूप धारण करती है, क्या माया मृग के पीछे दौड़ती है, श्रीमत की लीका को उल्लंघन करती है, तो तामसी बनने के कारण रावण उसे उठा ले जाता है। तो दो सीताएं हैं। कौन सी सीता की बात कर रहे हैं? हाँ, वो दूसरे नंबर की सीता है। हाँ हाँ, जो पावक में निवास करने वाली है वो नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने वाली है, जो जीवन का लक्ष्य है, बाबा ने दिया है। और जो वहाँ प्रिंस बनेगी, पहले बच्चा बनेगी किसी का, फिर लक्ष्मी बनेगी। तो डायरेक्ट प्राप्ति लक्ष्य की नहीं करती है, इसलिए वो नंबर दो में। और वो तो वाले भी वो काफी धूम पाता है। हाँ, वो भी मतलब आपके बारे, बाबा के बारे में, वही बाबा आया हुआ, वो लिख रहे थे बाबा आया हुआ, उसे पूछते कहाँ, तो माँ बाबा को बताते। तो हमारे काफी दिनों से ये जिज्ञासा हो रही है कि हम आपसे पूछ करके और पर्चे बनवा हाँ, ऐसे लोग आपके कहाँ है कहने से मान जाएंगे? सच्चा पर्चा तो परिचय देना है, वो पर्चा बांटने से कुछ होगा नहीं। और तुम चार छह आठ दस पंद्रह को पर्चा बांट पाओगे? असली पर्चा तो एक एक को बैठ करके उसको परिचय दो, समझाओ, बैठ के माथा मारो। परिचय बुद्धि में बैठ जाएगा तो पर्चा सच्चा साबित होगा। और पर्चा ऐसे ही बांट दिया और अपने घर में जाके बैठ गए, तो उनको फॉलो करना जरूरी है। उनसे मोबाइल से बात करके उनसे बात करें परमात्मा के बारे में, मतलब आपको परमात्मा कहाँ है, आया हुआ है तो वो कहाँ है, जैसे बोलियो में लिखा हुआ है। ब्रह्म कुमारी से बात करेंगे? हाँ, ब्रह्म कुमारी तुमसे बात ही नहीं करेंगे, वो जान लेंगी कि ये पीपी के है, वो तो फोन ही बंद करके रख देंगी। नहीं, हमने अभी दो तीन दिन पहले सेवा की थी ब्रह्म कुमारियों की, और हमने धीरे धीरे करके कि हम जान सुनिए बताओ आप, और फिर हमने आप बतलाया कि भाई परमात्मा, अरे हम तो ब्रह्म बाबा फॉलो करते हैं। तो आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकला? फिर हमने ये लिखा है कि अगर आप उस परमात्मा को मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो टीवी के माध्यम से आप उनका सच्चाई जानो सच्चाई। बोले हाँ हाँ, ले लेंगे हम बाद में जब हमें जरूरत होगी। ये बाबा ने हमको बताया है कि जिनको तुम परिचय दो और थोड़ा सा परिचय दो, वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आए, तुम्हारे पीछे पीछे फिरे सुनने के लिए, वो तुम्हारे कुल के हैं। पहले अपना घर का सुधार या पर का सुधार? तो जो हमारे अपने घर के हैं, हम उनको न सुना है, हम उनके पीछे फालतू, हम जानते हैं कि वो हमारी बात सुनने वाले नहीं है, वो हमारे कुल के नहीं है। ऐसे ही हमारा माथा खपाएंगे और हमारी बात समझते हुए भी नहीं समझेंगे, वो फिर भी कुमार का दादी को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें माउंट आबू के नक्की जीतर में ये पहने मिली, उनसे हम लोगों ने, जैसे इन्होंने रेखा माता ने हमने बात की, तो उनको हम खेती करी, हमने सुना। फिर उसके बाद फिर बाहर से आई, बाहर पर आई हाँ, लेकर गई बाबा, हाँ लिटरेचर लेकर गई है, एड्रेस पूछ कर गई है। वो ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं है, सरेंडर्ड नहीं, सरेंडर नहीं बाबा, ये तो सरेंडर ब्रह्मा कुमारी जो पर्चा छपाती है उनकी बात कर रही है।
हाँ वो गृहस्थी है, गृहस्थी गृहस्थी लोगों को परिचय देना फिर भी ठीक है। उन्होंने स्वीकार किया तो जो हमारी बात को सुनते हैं प्यार से धारण करते हैं उसको सुनो, जो सुनते ही नहीं उनको अब माथा पच्ची करने से क्या फायदा, हमारे धर्म के नहीं है, छोड़ दो। और भर्ती करने के बाद मान लो वो कम्प्लीट होता है, भर्ती के पास में कोई गांव होता है उनका, कोई गांव की वहाँ की रहने वाली होती है, जैसे जयपुर में रह रही है, और भर्ती के लिए हम ले गए, भर्ती कराने के बाद में वो कहती है भाई हम गांव जा करके फिर देख पाएंगे, तो इसमें कोई वो तो नहीं उनको छोड़ना चाहिए या वापस गाँव से चले वहीं तुरंत लेके आना चाहिए भर्ती करने के बाद। करने के बाद कोई कहीं भी चला जाए, क्या बंधन में रखना है? वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं होती, भट्टी कर ली फिर चाहे जाए उड़ो। नाबालिग बच्चों में एक समझदार होते हैं, एक बेसमझ बच्चे होते हैं, बेसमझ को भी ले जाने में कोई हर्जा तो नहीं है, लेकिन शैतान नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो जब ज्यादा समझदार होंगे तो वो अपने आप अपना निश्चय पत्र लिखाना चाहेंगे। गुफा में साधु रहते हैं, उन साधुओं की भी सेवा चल रही है बाबा, चार पांच साधु सुन रहे हैं, तो चार पांच साधुओं ने जो सुना बाबा तो एक अपने बड़े उनको लेकर आए, आप इनको भी बताइए ये हमारे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब अहंकार वाली बात कर रहे हैं। तो बाबा उस बड़े को समझाने के लिए किस तरीके से समझाया जाए, छोटे तो मान गए हैं और सुन रहे हैं बाबा जी की भी सुन रहे हैं, लेकिन जो उनका मुखिया है बाबा मना कम से कम बताते हैं वो 500 साधुओं के ऊपर अध्यक्ष है बाबा, जो बड़े आदमी होते हैं उनको मान मर्तबा ज्यादा होता है, उनके सामने निरहंकारी होकर के समझाना पड़े, कोई भी बात बोलते हैं तो इस तरह बोले कि जैसे हम छोटे हैं ये बड़े हैं, माने हमारी बात तो भी ठीक और न माने तो भी उनकी उनकी जीत करनी है, तो वो खुश होकर के सुनते रहेंगे। अगर हमने ये अपने को साबित कर दिया कि हम गुरु हैं तुम्हारे ऐसा तो नाराज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि वो भी बड़े बड़े वो हैं उनके नीचे अध्यक्ष के नीचे, तो उनको भी बाबा वो गंगा को लेकर बहस हो गई, उनसे बहस नहीं मतलब हमने प्यार से समझाया बाबा, जो बाबा ने हमें बताया गंगा तो उनकी अम्मा है वो बोलते हैं तुमने गंगा को माँ कैसे बोला, गंगा तो माँ है ही नहीं, गंगा मैया क्यों कहते हैं फिर? हाँ, हम तो नहीं बोलते, हमने कहा आप हमें बताइए कि वो माता कैसे हुई। गंगाधर जो ईश्वर है ना, उस गंगाधर ने उसको अपने सर माथे पर रखा हुआ है, इतना प्यार करता है, इतना धरौना तो किया है गंगा का, जैसे एक होती है ओरिजिनल पत्नी और एक होती है धरौने में लाई हुई, तो क्या जो धरौने में लाई हुई है वो ज्यादा होशियार और ज्यादा सेवाधारी नहीं हो सकती है? ज्यादा सेवाधारी होती है तो प्यार में आकर के उसको सर के ऊपर भी चढ़ा लेते हैं, तो उसको सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। मगर फिर जब वो ज्यादा बहस करने लगे तो हमने उनसे कहा ठीक है महाराज जी हमें आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, और बोले बोलिए, हमने कहा गंगा का शांतनु क्या लगता था? तो बोले अरे अरे वो तो छोड़ो छोड़ो वो तो थोड़े समय की बात थी, मेरा थोड़े समय की क्यों बात थी, उनके 8 पुत्र भी हुए थे, वो कैसे हुए अगर वो माता नहीं थी? तो बाद में बाबा वो हाथ जोड़ के कहता मैं मान गया माता तुम माई तुम कौन है, ब्रह्मा कुमारी तो हो नहीं सकती, ज्ञान तो तेरा ब्रह्मा कुमारी जैसा लग रहा था, पर अब तो लगता है तो शिवजी कुमारी, मैंने कहा शिवजी कुमारियाँ नहीं होती हैं, जिनके तो बच्चे होते हैं पुत्र होते हैं। तो फिर बाबा वो दर्द से इतना हुआ बाबा रेगुलर मैं नहीं पहुंचती ना बाबा कोर्स कराने के लिए, तो फोन करके बुलाते क्या आप आए नहीं हो अभी तक, और उन्होंने फिर आस पास के और साधुओं को इकट्ठा किया। तो 500-600 का ग्रुप वो भट्टी करे
तो आप समझ लो कि हाँ पक्का हो गया। 500-600 तो नहीं, लेकिन वो 400-500 हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, 400-500 की तो बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बनाना पड़े नहीं, बना देंगे। आगे चल के ऐसा भी होगा कि कोई क्रिश्चियन को भी राष्ट्रपति बना देंगे। है उसके बाद क्या होगा? और क्रिश्चियन से नास्तिक बनते हैं, और नास्तिकों को अगर राष्ट्रपति बना के बैठा दिया जाएगा तो सत्ता का अंत ही निकट आ गया ना। बोले मुरली में बोला तुम सब सिपाही हो, तुम सब दिया हो। अभी दोषी का बताइए, अभी जब आपने कोई चीज होती तो नंबर वार होती है कि सब नंबर वन नंबर दो होते हैं? तो नंबर वन और नंबर दो भी कोई होगी, फिर कोई नंबर तीन भी होगी, नंबर चार भी होगी, नंबर पांच भी होगी, नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बाबा के सामने जितनी बैठी है वो सब क्या है? वो सब सीताएं हैं। क्या टोटल मिला के सबका शीतल स्वभाव है, उग्र स्वभाव कितना बाबा का है उतना किसी का नहीं हो सकता। तो शिव बाबा तो गरम है, सूर्य है, और बाकी सब सितारे सूर्य के मुकाबले शीतल है। तो तुम सब सीत माने सीताएं, और राम एक है, राम है एक और सीताएं हैं अनेक। तुम सब पार्वतियां हो। बाबा एक माता भक्ति करके आई और अच्छी ज्ञान में चल रही थी, और उसके बाद में वो बिल्कुल ये झूठ भी नहीं आती थी, क्लास में भी नहीं आती है, फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती, एक बार उनके मिलने भी देते। तो देवता बनने के बाद कोई कन्वर्ट नहीं होता? तो क्या हुआ? सही बात क्या है? ढेर के ढेर ज्ञान लेते, ढेर के ढेर ज्ञान लेते हैं, ढेर के ढेर देवता बनेंगे, देवता से फिर नीचे गिरेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन? हाँ जो अब जो टूट जाते हैं, बाबा कहते हैं कोई दो महीने चिट्ठी नहीं लिखता, कोई कनेक्शन नहीं है बाबा से, तो बाबा क्या समझेंगे? मर गया, मर गया तो मर गया, और वो वर्ष दो वर्ष आता ही नहीं है। मरने वाले की तो वर्ष ही मनाई जाती है, अब वो आता ही नहीं है, वर्ष दो वर्ष हो गए, तो फिर दोबारा गर्भ में जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? बाप का बच्चा बनना पड़े कि नहीं? बिना गर्भ में जाए कोई बाप का बच्चा बनता है? गर्भ में तो जाना पड़े, वो 7 दिन की बच्ची, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन ज्ञान में पकना पड़ेगा। मैंने कैसे जो आप कैसे दे के आए वो सुनती है? वो कैसे सुनती है और योगी करती? कागज की मुरली भी पड़ती है? है वो बांधेली मंदिर है, बहुत ज्यादा सच्चाई से मंदिर लगा। हाँ तो थक गई, इसीलिए आपने अंदर बैठ करके ज्यादा संघर्ष क्यों करना? हमारा तो सहज राजयोग है, सहज मिला है तो दूध सम, मांग लिया तो पानी, अब पति से खींच खींच के ले लिया दुख दे दे करके, और तो खून हो गया। इसलिए वो आराम से शांति से बैठी है घर में, बाबा को याद करती है, मिल जाती है तो मुरली पढ़ लेती है, सुन लेती है। आप फिर तो उसको दे देते रहिए।
नहीं, जब आपको मालूम है कि वो लगातार मुरली पढ़ रही है, सुन रही है, बाबा को याद कर रही है, है कोई दूसरों से प्रभावित नहीं है, तो आप उसे भट्टी करने के लिए क्यों ऐसे इस तरह क्यों बोलेंगे? जबरदस्ती मार देंगे जिंदा आदमी को? आप मुरली दीजिए, आप मुरली दे करके देखिए घर में, आप उसको आपको आप घर में जाकर के दे करके तो आइए। वो भी तो मुरली है, मुरली तो। हाँ जी, और गाँव में ये कह रही थी कि जैसे कि सब लोग सबके घर जान नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ आए तो सभी लोग मतलब किसी का भी घर जान नहीं सकते हैं, मतलब कि आम बात नहीं है ये कि नहीं सब सबके घर पहुँच जाए। तो जब आप आते हैं तो कोई ऐसी एक जगह निश्चित रखी जाए कि नहीं तो वहाँ आराम से पहुंच जाएंगे, मतलब किसी को परेशानी भी ना हो। कोई को तो दूर पड़ेगा ही, उसका तो एक ही वो हो सकता है मधुबन, मधुबन जयपुर में मधुबन बने। अब जैसे मैं आज आई, मैंने मतलब इन भाई को फोन किया, वहाँ बेसिक मतलब 15-15 मिनट फोन किया, खड़ी नहीं मैं सच जाके, लेकिन फोन लगा नहीं। मैंने फिर वो दीपक भाई को भी फोन लगाया, उसको भी नहीं लगा। मैं वापस घर तक पहुँच गई, फिर विनोद भाई का फोन आया, फिर मैं वापस वहाँ सच्चे तक आई, फिर मुझे लेके आया। तो ऐसे मतलब कि आता के भी नहीं आए, तो मान लो इसी मकान में मधुबन बन जाए तब आप क्या करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? और बाबा ने मुरली में बोला हुआ भी है, गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बनाओ। क्या जो भी गीता पाठशाला है उनको लक्ष्य दिया हुआ है क्या कि गीता पाठशाला चलाने वाले ये लक्ष्य रखें कि हमारा घर क्या बन जाए, मधुबन बन जाए? तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? चलता रहे वो अच्छी तरह पता है, उनका मतलब है एड्रेस हमें नहीं मालूम था, बाबा कहाँ पहुँच रहे हैं। आपको किससे मालूम पड़ा कि बाबा आए हुए हैं? इनसे मालूम पड़ा तो उसी समय इनको पकड़ लेते कि हमें एड्रेस बताओ, या तो उस गीता पाठशाला का फोन नंबर दो। ऐसी स्थिति है कि ये थोड़ा बड़ा अजीब रास्ता है बाबा इधर पहुँचने का, बहुत ही परिवार में तो बिना किसी जानकार के आ नहीं सकता बाबा, झोटवाड़ा में इसके रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं बाबा, बाकी और कहीं भी तो पहुँच जाते हैं, पर यहाँ आने के लिए यहाँ आके भी भूल जाते हैं बाबा। इसीलिए तो यहाँ सबसे बाद में प्रोग्राम रखा है। लेकिन बाबा साहेब की प्राप्ति होती है, प्राप्ति भी है तो अंडे ही उतारे अपने वो जानकारी की बात ही है। मधुबन का होना चाहिए ना बाबा, है बाबा जयपुर में भी मिनी मधुबन होना चाहिए ना बाबा। चाहिए चाहिए से थोड़ी कुछ होता है बाबा, बताइए ना उसके लिए क्या बताइए, क्या क्या चाहिए? सहज कोशिश करेंगे ना बाबा, सहज मिले सो दूध सम। एक एक से मांग लिया, तुम थोड़ा सा चंदा दो तो, तुम थोड़ा सा चंदा दो, तुम्हारे पास बड़ा मकान है, तुम्हारे पास दो मकान है, एक मकान तुम दे दो, ये तो मांगना हो गया। हम ये जानना चाहते हैं अगर बाबा दो तीन कमरे ही मिले और एक छत मिल जाए तो ये काम हो सकता है बाबा?
अगर मगर से थोड़े काम होगा। नहीं बाबा, ऐसा होगा मान लीजिए है, अगर ऐसा ये काम हो, अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा स्वर्ग ही न बन जाए। अच्छा मान लीजिए बाबा है ऐसा है, मान लीजिए है ऐसा। कैसा है? तीन कमरे और एक छत मिले हमें। हाँ तो शुरू हो सकता है बाबा? तीन कमरे हैं एक छत है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? छत को हॉल बनाया जा सकता है बाबा। हाँ छत को हॉल बनाया जा, हाँ छत का हॉल बनाया जा सकता है। कोई दूसरा मकान वाला निकल आएगा तो बड़ा मकान दे ऑफर कर देगा। आगे बाबा ने बोला आगे चल के जी विक्टोरिया भवन है, वो भी तुमको दे देंगे, सेवा करो आगे। क्या बड़ी बात है बाबा, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं बाबा परमिशन देंगे या नहीं देंगे। टाइम हो गया, चलो